हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं क्लास एट्थ की एसएसटी की बुक का 12th चैप्टर, जिसका नाम है हमारा संविधान। फ्रेंड्स, इस लेसन में ये बताया गया है कि संविधान क्या होता है, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, भारत का संविधान किस तरीके से बना है, उसकी प्रक्रिया क्या थी बनने की, इसके बारे में बताया है। एंड फ्रेंड, इस लेसन में से बहुत सारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि संविधान क्या है। तो संविधान क्या है? नियम व कार्यविधि, यानी नियमों के समूह को क्या संविधान कहते हैं, यानी कि शासन व्यवस्था का संचालन करने के लिए जो भी नियम बनाए जाते हैं, तो उस जो नियमों का समूह होता है उसे संविधान कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन बनता है कि संविधान कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर है दो प्रकार के होते हैं। संविधान है जो वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान। जिस संविधान के प्रावधान लिखित रूप में होते हैं वे लिखित संविधान कहलाते हैं, जैसे कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। एंड अलिखित संविधान, जिस संविधान के प्रावधान लिखे नहीं जाते हैं बल्कि परंपराओं के रूप में रहते हैं, इन्हें अलिखित संविधान कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है? ब्रिटेन का संविधान। सो फ्रेंड, आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे और ये पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से किस देश का संविधान अलिखित है। तो आपको ध्यान देना है कि जो ब्रिटेन का संविधान है वो अलिखित है। भारत के संविधान का निर्माण, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि भारत के संविधान की मांग सबसे पहले किसने की थी और कब की थी। तो भारत के लिए संविधान की मांग है जो वो महात्मा गांधी ने की थी, और ये कब की थी? 1922 में। और उनकी एक स्टेटमेंट है कि भारत का राजनीतिक भविष्य भारतीय सभ्य बनाएंगे। तो शायद ये भी पूछ सकते हैं कि भारत का राजनीतिक भविष्य भारतीय सभ्य बनाएंगे, ये स्टेटमेंट किसकी है? तो ये स्टेटमेंट है जो वो महात्मा गांधी के द्वारा कही गई थी। और किस संबंध में कही गई थी? ये संविधान निर्माण के संबंध में कही गई थी। इसके बाद जब गांधी जी ने ये मांग की थी, तो ब्रिटिश जो सरकार के द्वारा भारत की जनता के लिए संविधान बनाने का जो प्रस्ताव था उसे इन्होंने स्वीकार कर लिया। तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक दल था जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है, वो भारत आया। तो भारत के संविधान के लिए कौन सा, यानी कौन सी समिति आई थी? तो कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट में देश की संविधान सभा के गठन की सिफारिश की थी। और ये संविधान सभा है जो वो कब? जुलाई 1946 में भारतीय संविधान सभा में, पहले जुलाई 1946 में संविधान सभा बनी थी। और इस संविधान सभा में 296 जनप्रतिनिधि के चुनाव हुए थे और 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि के रूप में वहां के शासकों द्वारा मनोनीत किए गए थे। यानी टोटल जो मेंबर्स थे वो थे 389, जिसमें से 296 जो जनप्रतिनिधि यानी इनको चुना गया था, और 33 ऐसे लोग थे जो कि देसी रियासतों के थे, यानी कि जो मनोनीत किए गए थे। एंड एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान से संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो इसका आंसर होगा 14, यानी कि राजस्थान से संविधान सभा में 14 सदस्य सम्मिलित थे। अब पहला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो ये बनता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। फ्रेंड्स, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो सच्चिदानंद सिन्हा है वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन से हैं? तो तब तो आंसर आएगा सच्चिदानंद सिन्हा। और अगर ये क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है, तो इसका आंसर आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो वो तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और ये कब चुना गया था? तो ये 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था, जब संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये बनता है कि संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान के उद्देश्य को तय करने वाला एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा। तो क्वेश्चन यहाँ पर तीन बनते हैं कि फर्स्ट उद्देश्य प्रस्ताव है जो वो किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। कब रखा? 13 दिसंबर 1946 को। या फिर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के उद्देश्य को तय करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा था? तो इसका आंसर आ जाएगा उद्देश्य प्रस्ताव। ये रखा गया था 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन इसे लागू कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये बनता है कि संविधान सभा में एक प्रारूप समिति बनाई गई थी, और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सो यहाँ पर हमारा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा में जो प्रारूप समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
संविधान का निर्माण करने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। और कितने दिन बैठकों के बाद संविधान तैयार हुआ था? तो 114 दिन की बैठक हुई थी। और जो संविधान है वो बनकर कब तैयार हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। और संविधान देश में लागू कब किया गया था पूर्ण रूप से? तो 26 जनवरी 1950 को। फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान देना कि 26 नवंबर 1949 को सिर्फ यानी कि 15 अनुच्छेद ही लागू किए गए थे, और जो बाद के अनुच्छेद हैं वो 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए थे। यानी कि 26 नवंबर 1949 को जो संविधान है वो आंशिक रूप से लागू किया गया था, और 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया था। भारत सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया है। पूरे देश में 26 नवंबर 2015 को प्रथम संविधान दिवस बनाया गया था। यानी कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। और पहली बार संविधान दिवस कब मनाया गया था? तो 26 नवंबर 2015 को, जिस समय नरेंद्र मोदी की सरकार थी। इसके बाद आता है कि संविधान सभा की विशेषताएं, कि संविधान सभा की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता है कि सबसे लंबा व लिखित संविधान। जो भारत का संविधान है वो सबसे लंबा और लिखित संविधान है। यह एक विस्तृत दस्तावेज है। मूल रूप से संविधान में एक प्रस्तावना है, कुल 395 अनुच्छेद हैं जिसमें 22 भाग हैं और 8 अनुसूचियां हैं। विभिन्न परिवर्तनों के बाद वर्तमान समय में भारत में जो भारत का संविधान है उसमें कितने अनुच्छेद हैं? तो भारत में वर्तमान समय में संविधान में 465 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। इसके बाद है प्रस्तावना। हमारे संविधान में प्रस्तावना को भी सम्मिलित किया गया है। यह प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना संविधान का परिचय व भूमिका है, इसमें संविधान का सार है। जो प्रस्तावना है वो संविधान का क्या है? सार है। यानी कि संविधान में जो भी उद्देश्य वगैरह हैं वो प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से बताए गए हैं। विभिन्न स्रोतों से प्रेरणा, यानी कि जो भारत का संविधान बना है इसमें जो भी चीज़ें ऐड की गई हैं वो बहुत सारे देशों से ली गई हैं। जैसे कि आपका क्वेश्चन ये आ सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत में कौन सी चीज़ ऐड की गई है? तो मौलिक अधिकार और स्वतंत्र नगरपालिका की अवधारणा, सॉरी न्यायपालिका की। तो मौलिक अधिकार वो कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में ऐड किए गए हैं। और जो न्यायपालिका है स्वतंत्र, वो भी कहाँ से ली गई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है कि जो नीति राज्य के नीति निदेशक तत्व है वो कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। और संसदीय शासन व्यवस्था है जो वो कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। इसके बाद है पंथ निरपेक्षता। संविधान में पंथ निरपेक्षता राज्य का एक आदर्श है। यानी कि पंथ निरपेक्षता यानी धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाना, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना, यानी राज्य सभी पंथों का समान रूप से रक्षा करेगा, सभी किसी भी पंथ को राज्य के धर्म के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। भारत में रहने वाले लोगों को अपने अपने विश्वास के अनुसार पंथ मत या धर्म का पालन करने की आज़ादी है। इसके बाद फ्रेंड अगला पॉइंट आता है समाजवाद। भारत सभी नागरिकों के लिए सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्षेत्र में समानता की बात करता है। इन क्षेत्रों में किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके लिए हमारे संविधान द्वारा अनेक संरक्षणात्मक प्रावधान किए गए हैं जिनमें सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को समान और विशेष अवसर प्राप्त हो सके। इसके बाद है लोकतांत्रिक और गणतंत्र। लोकतांत्रिक जिसमें लोगों का शासन होता है। तो लोकतंत्र को 2 भागों में बांटा गया है, एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। भारत में लोकतंत्र है लेकिन भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता सभ्य शासन व्यवस्था का संचालन करती है, और अप्रत्यक्ष में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और उनके प्रतिनिधि शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। तो भारत में जो जनता है वो प्रतिनिधियों को चुनती है, उसके बाद जो प्रतिनिधि है वो शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। इसलिए भारत की जो लोकतांत्रिक कैसी व्यवस्था है? अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था। गणतंत्र का मीन्स होता है कि राज्य का जो अध्यक्ष होता है, राज्य का सर्वोच्च पद है जो, यानी कि भारत में सबसे ऊंचा पद किसका होता है? राष्ट्रपति का। तो जो राष्ट्रपति है वो वंशानुगत ना होकर उसका निर्वाचन किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो इसमें पढ़ लेते हैं, संविधान के अनुसार भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, सरकार का चुनाव जनता करती है, चुनी हुई सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होते हुए कार्य करती है। एंड इसके बाद शासन का सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति होता है और ये वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है। अतः हमारा जो देश है वो गणतंत्र कहलाता है।
सो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड इसमें बहुत सारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ इसे ध्यान से देखना वीडियो को। एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।